तो पाखी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मुस्कान बामले दोस्तों जल्द ही अनुपमा शो को क्विट कर सकती हैं, क्योंकि खबरें कि अनुपमा शो में 5 साल का लीप आ रहा है और जिसके चलते कुछ एक्टर्स अनुपमा शो को छोड़कर जा रहे हैं। वैसे दोस्तों अनुपमा सीरियल की जो लीड एक्ट्रेस है रूपाली गांगुली, वो अभी अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आई हुई थी और इसी दौरान अनुपमा ने खुलासा किया है कि अस्मि देव जो चाइल्ड एक्टर है वो जल्द ही शो को अलविदा कहने वाली है। वेल गाइज, ये जो लाइव वीडियो है इसमें रूपाली गांगुली ने यह भी कहा है, आज अस्मि का सेट पर टेक्निकल आखिरी दिन है, कास्ट जैसे किरदार बड़े हो जाते हैं वैसे ही ये भी बड़ी हो जाती। अनुपमा सीरियल में दोस्तों छोटी अनु का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अस्मि देव शो को क्विट कर रही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसी के साथ खबरें ये भी है कि मुस्कान बामने जो कि पाखी का किरदार अनुपमा सीरियल में अभी तक निभाते आ रही थी, वो भी इस शो को लीप के बाद क्विट कर सकती हैं। वैसे गाइस, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनुपमा की बेटी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मुस्कान बामने शो को बीच में ही छोड़कर चली जाएंगी, क्योंकि खबरें हैं कि मुस्कान छोटी उम्र में टीवी पर माँ का किरदार नहीं निभाना चाहती हैं और इसीलिए अनुपमा शो को बीच में ही वो क्विट करने वाली हैं। मुस्कान बामने के अलावा किंजल का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस निधि शाह का भी नाम सामने आ रहा है कि वो भी इससे शो को क्विट कर देंगी। लेकिन इसी के साथ कुछ खबरें ऐसी भी है कि निधि शाह लीप के बाद भी नजर आने वाली है। अनुपमा सीरियल को लेकर दोस्तों अभी तो कुछ यही अपडेट आई है, लेकिन अपकमिंग वीडियो में आपको इस शो के बारे में और भी कुछ बताने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप लोग अनुपमा सीरियल की कोई भी अपडेट मिस ना करो।